मैं आपके साथ बंगाल की एक फेमस और बहुत टेस्टी फिश करी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बंगाली में हम इस फिश को कोई फिश कहते हैं और आज मैं आपके साथ इसकी एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूँगी। ये रेसिपी मैंने अपनी माँ से सीखी है, तो चलिए बिना लेट की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दें और ऑल ऑप्शन क्लिक कर दें। रेसिपी को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें। मैं हूँ श्यामा, वेलकम टू माई चैनल। तो रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं फ्लैट बीन सीड्स, मैंने यहाँ पर 400 ग्राम लिया है। ये है सीम फली के दाने, इसे मैंने 6 घंटे के लिए सोक करके रखा था, फिर 6 घंटे बाद मैंने इसे छील लिया है। छील के ही ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपको फ्लैट बीन सीड्स नहीं मिलते हैं तो आप राजमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे मैं बॉईल कर लूँगी, तो ऐड कर दिया है 1 कप पानी, 1 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करके जब ऐसे पानी में उबाल आ जाए तो मैं इसे ढक दूंगी जब तक कि ये सॉफ्ट साइड में बॉयल ना हो जाए। ये सीमफली के बीज के क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। मुझे 10 मिनट लगा था, देखिए ऐसे सॉफ्ट तरीके से बॉयल करना है। और यहाँ मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज, 1 बड़ा टमाटर, 5 हरी मिर्ची और 5 कलियाँ लहसुन की, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। अब रेसिपी में कढ़ाई में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल। 5 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और एकदम अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। ये है कोई फिश, इसे मैं नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तेल जब ऐसे अच्छे से गरम हो जाए तो मैं फिशेस को फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को मीडियम रखना है हमें, नहीं तो फिर बहुत तेल के छींटे आते हैं। और मैं ढक ढक के कर रही हूँ ताकि तेल के छींटे ज़्यादा बाहर ना आए। जैसे ही फिश का एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाएगा, दूसरे साइड को भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए दोनों साइड को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं फिशेस को तेल से निकाल लूँगी। दोस्तों यहाँ पे बहुत साउंड है, प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा मुझे। सेम इसी तरीके से मैंने सारी फिशेस को फ्राई कर लिया है और फिर उसी तेल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच खड़ा जीरा और 1 बड़ा चम्मच कलौंजी। जीरा और कलौंजी जब अच्छे से चटक जाए फिर मैं यहाँ पे वो पेस्ट ऐड कर दूँगी जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च ऐड किया था, उसका मैंने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। फिर मैं इसी पेस्ट में ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट मेरे पास अलग से होता है। और ऐड कर दूँगी 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक ऐड करने से पेस्ट जल्दी पक जाता है। इसको मैं ढक के मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। देखिए 5 मिनट बाद जब ये थोड़ा हाफ कुक हो गया है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज का बैंगन। बैंगन को मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। बैंगन को हमें 1 मिनट के लिए ही चलाना है बस, और फिर मैं इसे सारे पाउडर्ड मसाले जो हैं वो ऐड कर दूंगी। 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा का पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी और मसाले को अच्छे से कुक कर लूंगी। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मसाले को मैंने ऐसे 5 मिनट के लिए ढक दिया था,
फ्लेम को मीडियम करके देखिए कितने अच्छे से ऑयल रिलीज हो चुका है मसाले से। अब मैं यहाँ पे वो सीम फली के दाने जो हमने बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर दूंगी। इसको भी हमें एक दो मिनट के लिए ही बस हाई फ्लेम में थोड़ा सा मिक्स कर लेना है अच्छे से। फिर मैं ज़रूरत अनुसार इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पे एक बड़ा कप पानी ऐड किया है। ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सारा कुछ मिक्स कर दूंगी। और जैसे ही ग्रेवी में ऐसे बॉयल आने लगे इसमें मैं वो सारे फिशेस ऐड कर दूंगी। फिश ऐड कर दिया हमने। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ घर पे ट्राई करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जब उबाल आ जाए ग्रेवी में तो मैंने इसको ढक दिया था 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। देखिए 10 मिनट बाद कितने अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है, तेल रिलीज हो चुका है। अब बहुत हल्के हाथों से थोड़ा सा मैं मिक्स कर रही हूँ। ये फिश बहुत टेंडर हो जाता है पकने के बाद। अगर आपको ये फिश नहीं मिलती है तो आप इस रेसिपी को किसी और फिश के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 2 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता जिसे मैंने रफली काट के रखा है। धनिया पत्ते को भी हम बहुत हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। बस हमारी कोई फिश करी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। फ्लैट बीन सीड्स ना मिले तो आप राजमा के भी साथ ट्राई कर सकते हैं। अपने घर पे ट्राई करें और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप सबके लिए लाऊँगी। साथ में जो एंड स्क्रीन है उसमें भी आपको मेरी एक और रेसिपी देखने को मिलेगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।